दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। बड़ी खबर में देखिए, पटना समेत कई जिलों में बारिश और बढ़ेगी ठंड, कोहरे के साथ शीतलहर। भागलपुर में 6 डिग्री तक गिरा पारा, स्कूल 31 दिसंबर तक बंद। जहां देखिए बिहार में ठंड से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर पटना समेत कई जिलों में शनिवार शाम को बारिश हुई है। वह देखिए बेमौसम हुई इस बारिश से ठंड और बढ़ेगी। बिहार में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में कोहरा की वजह से कनकने भी बढ़ गई है। वह देखिए बीते दिन ठंड के कारण सिवान और लखीसराय में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वह देखिए घना कोहरा होने के कारण इससे रेल, विमान और बस सेवाएं भी चरमरा गई है। साथ ही देखिए पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों के अनुसार देश के 10 प्रदूषित शहरों में 7 प्रदूषित शहर बिहार के देखे गए हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित कहे जाने वाले दिल्ली का AQI शुक्रवार की सुबह 366 रिकॉर्ड किया गया। वही राजधानी पटना का AQI 361 रिकॉर्ड किया गया। सिवान का AQI 395, दरभंगा के AQI 384, समस्तीपुर का AQI 376, भागलपुर का AQI 371, बेतिया का AQI 370 दर्ज किया गया। आयकर में देखिए, आधार से पैन को लिंक नहीं किया तो इस तारीख के बाद हो जाएगा निष्क्रिय, आयकर विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जब देखिए आयकर विभाग द्वारा शनिवार को जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि जिन लोगों ने भी अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है 31 मार्च 2023 से उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वह देखिए पैन जारी करने वाले विभाग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत अभी तक लोगों को अपने पैन से आधार से लिंक कराना जरूरी है जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वहीं 31/3/2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले उन व्यक्तियों को छूट दी गई जिनके आयकर अधिनियम 1961 में नॉन रेजिडेंट माना गया है। देखिए बिहार में भी आप देख सकेंगे गेंडे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पेश से हो रहे गेंडों की बसाने की तैयारी। जहाँ देखिये बिहार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गेंडों को फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है। बीटीआर को राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। यहाँ अगले साल गेंडों को असम से लाया जा सकता है। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गेंडों को फिर से बसाने से बिहार को गेंडों का अपना झुंड वापस मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ एकमात्र गेंडा रहता है। देखिए बिहार में कोरोना को लेकर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिया अलर्ट रहने का निर्देश, कहा घबराने की जरूरत नहीं। जहां देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से कहा कि कोरोना को लेकर घबराए नहीं, लोग सचेत और सजग रहे। शनिवार को एक नए मार्ग स्थित संकल्प में कोरोना से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं देखिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच और कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वेरियंट को देखते हुए कोरोना के फिर से बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया कि राज्य में आज की तिथि में कोरोना के एक्टिव केस 0 है, इसलिए हमें कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर में देखिए, देश में कोरोना का खतरा, केंद्र को राज्यों का निर्देश, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो, वेंटिलेटर दुरुस्त रखे। जी हाँ देखिए देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इसी बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है लेकिन हमें आने वाली चुनौतियों के लिए सबसे पहले तैयार रहना होगा। वहीं देखिए मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न आए, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाए। वहीं देखिए इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में COVID-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। खबर में देखिए 2023 में सातवें चरण में 2,00,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। जहां देखिए वर्ष 2023 शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धि वाला साल होगा। इस साल न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी बल्कि नए पद के सृजन का रास्ता भी खुलेगा। वहीं देखिए आने वाले साल में 2,00,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। नए साल में सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षक और
90,000 प्लस टू शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं देखिए अब नए साल में नए नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 1800 स्कूलों को इंटर स्कूल में अपग्रेड करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी सभी पंचायतों में इंटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। साथ ही देखिए इस साल सभी प्रारंभिक विद्यालयों को अपना विद्यालय भवन मिलने की उम्मीद है। अभी 15,940 प्रारंभिक विद्यालयों में 15,653 विद्यालयों को भवन तैयार हो चुका है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 माह में निकलेगी 70,000 बहाली। ज्यादा की बड़ी खबर है बिहार में नौकरी की चाहत रखने वाले युवक युवतियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल राज्य के अंदर स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 महीने में बड़ी मात्रा में बहाली निकलने जा रही है। इस विभाग में आगामी 6 महीने के अंदर 70,000 कर्मी बहाल होंगे, जिसमें से 35,000 ANM की होगी बहाली। वहीं देखिए इस बात की जानकारी खुद विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रतत अमृत ने दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस मसले पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में बेहतरी और सुविधा में बढ़ोतरी के लिए नए स्वास्थ्य कर्मी की बहाली शुरू की जाएगी। इसके अलावा मिशन 60 को लेकर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का काम पहले चरण में पटना, गोपालगंज, सिवान और नालंदा जिला में हुआ है। वहीं दूसरे और तीसरे चरण में बाकी के बचे हुए जिलों में काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार देश में पहला ऐसा राज्य है जहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अलग अलग जिलों को लेकर एक एक ऐप तैयार किया गया है। इसके तहत अब तक 52 ऐप को एक जगह कर ला दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में बड़ा बदलाव की तैयारी, अब नहीं होगी कोई लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। जी हां देखिए बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर अब नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि विभिन्न वर्गों के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती राज संस्थान बहाली नहीं करेगी, बल्कि इसको लेकर जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार यह केंद्रीकृत इकाई शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसलिंग करेगी, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। इसके साथ यह पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और नगरीय निकाय के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय से ही बांटे जाएंगे। इसके अलावा 7वें चरण में शिक्षक के चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार भी नहीं होगी। हालांकि चयन करने वाली एजेंसी के 3 विकल्प सुझाए गए हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाना है। 7वें चरण में शिक्षक कैटेगरी वही रखी जाएगी। देखिए बिहार में 45 से ज्यादा रूटों पर चलेगी नई बसें, जनवरी से शुरू होगा परिचालन, लोगों को होगी सुविधा। जहाँ देखिए बिहार में लोगों को बेहतर परिवहन सेवा देने के लिए राज्य के विभिन्न जिले से अप और डाउन दोनों के लिए 45 से अधिक रूटों पर नई बस चलाई जाएगी। इन बसों का परिचालन जनवरी से शुरू होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आवेदन मांगा भी गया है। इस सेवा को निजी सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे अंतर क्षेत्रीय मार्गों का भी चयन कर लिया गया जहां से बसों का परिचालन होना है। इन नए बसों के परिचालन से लोगों को एक से दूसरे जिला आना जाना और अब भी सुविधाजनक हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए कोरोना जांच के मामले में बिहार टॉप पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य की समीक्षा की। जहाँ देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक कोरोना सैंपलों की जाँच लगातार कर रहा है। आपको बता दें कि देश में एक दिन में 1.5 लाख सैंपलों की जाँच हो रही है, जिसमें बिहार में सर्वाधिक 50,000 से अधिक सैंपल शामिल है। वहीं देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद बिहार ने 27 दिसंबर को राज्य के सभी अस्पतालों और सेवाओं का मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है। इसमें अस्पतालों में उपलब्ध ICU प्लांट, ICU बेड सहित चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ को मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना के नए केस नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी नई गाइडलाइन या सख्त निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। में देखिए कोरोना को लेकर अब बिहार में भी अलर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच शुरू करने का निर्देश। जहाँ देखिए चीन, अमेरिका समेत देश भर में कोरोना बेकाबू हो चुका है, अब भारत में भी इसका असर खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले कि देश में हालात बिगड़े, बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले जगह पर अलर्ट जारी हुआ है। वहीं देखिए कल अपर मुख्य सचिव प्रतत अमृत ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना से बचाव करने पर चर्चा हुई। वहीं देखिए बैठक में निर्देश दिया गया कि अब सतर्क रहना जरूरी है, इसीलिए भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जांच शुरू की जाए। चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, इन जगहों पर अलग अलग राज्य और अलग अलग देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू की जाए। साथ ही मॉल, बाजार और अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी सतर्कता जरूरी है।
आखिर में देखिए बिहार में अगर बिना कारण बताए दाखिल खारिज के आवेदन रद्द किए तो मान्य नहीं होगा। जहाँ देखिए दाखिल खारिज को लेकर राज्य सरकार ने अंचलों की जिम्मेवारी तय कर दी है। अब कोई दाखिल खारिज का आवेदन बगैर कारण बताए रद्द नहीं होगा। अंचल अधिकारियों को हर हाल में आवेदन रद्द करने के कारण स्पष्ट बताना होगा। आनन फानन में कोई आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अगर आवेदन अस्वीकृत किया गया तो वह मान्य नहीं होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अभी अंचलों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल इस समय दाखिल खारिज को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले लगातार लंबित हो रहे हैं। उसके निष्पादन की रफ्तार बेहद धीमी है। यही नहीं, इसके स्वीकृत करने और अस्वीकृत करने का कोई भी कारण नहीं बताया जाता है, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया है। खबर में देखिए बिहार में 5 जनवरी से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। वैक्सीन लेने वाले कांग्रेसी ही होंगे शामिल। जी हां देखिए बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेता तैयारी में जुट गए हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अलग अलग अवसरों पर आएंगे। वहीं देखिए कोरोना के नए वेरिएंट के बीच कांग्रेस के बिहार में यह यात्रा 5 जनवरी से आरंभ हो रही है। इसे देखते हुए पार्टी वैक्सीन डोज लेने वालों को यात्रा में शामिल होने का निर्देश जारी करेगी। साथ ही यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को सुरक्षा के लिहाजे से किसी प्रकार का लक्षण होने पर उसे कोरोना की जाँच करा लेने का परामर्श देगी। वहीं देखिए बिहार में भारत जोड़ो यात्रा संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक पूरे यात्रा का रूट चार्ट तैयार नहीं हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के परामर्श के बाद जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का रूट तैयार कर लिया जाएगा। अभी तक बांका के मंदार से लेकर भागलपुर तक के रूट चार्ट तैयार हुआ है। इसमें 2 रात्रि विश्राम बांका जिले में अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। इसके बाद की यात्रा में 1 रात्रि विश्राम भागलपुर शहर के पहले निर्धारित किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए इस तारीख को करें पंजीयन। खोला जाएगा ये कल्याण पोर्टल। जहाँ देखिए शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलों की तरफ से मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर 5.2 लाख छात्राओं की जगह केवल 1.84 लाख लाभुक छात्राओं की पहचान की है। इसी तरह बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 4.83 लाख बच्चों की तुलना में केवल 68% यानी की 3,31,280 विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया है। वहीं 100% लाभुक को योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए एक कल्याण पोर्टल पर एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया गया है। यह पोर्टल 1 जनवरी 2023 से खोला जाएगा। इसके आधिकारिक आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को बिहार सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं को कन्या उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक राज्य की कन्याओं को प्रदान की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।